भागलपुर के इस विधानसभा चुनाव में ऑडियो वायरल का दौर जारी है, जहां पहले भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल का एक ऑडियो वायरल हुआ था, वहीं अब भाजपा के कद्दावर नेता सह गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का एक ऑडियो वायरल हुआ है। उक्त वायरल ऑडियो में भागलपुर विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को धमकी दी गई है। धमकी भरा ऑडियो निशिकांत दुबे का है, जिसमें जीत या हार के बाद देख लेने की बात कही गई है। वहीं ऑडियो में निशिकांत दुबे द्वारा कहा गया है कि मैं शाहनवाज या अश्वनी चौबे नहीं हूं, चुनाव के बाद देख लूंगा। राजेश वर्मा ही बोला। अच्छा जी, तुम्हें आइडिया है भैया, हम पूछते हैं इसी विषय पर। समझा दीजिएगा कि हम जो शाहनवाज हुसैन अश्वनी चौबे नहीं है, हम जीते हारे बहुत खतरनाक आदमी, हम बर्बाद कर रहे हैं, हमको शाहनवाज हुसैन अश्वनी चौबे नहीं। आश्चर्य का बात है, हम अभी बात करते हैं उससे। समझिए ना, खुलेआम कहिए माफी मांगने के लिए, नहीं तो फिर जो होगा तो होगा, हम पहले पकड़ते पीटेंगे फिर देखेंगे क्या होता है। आश्चर्य का हमको लग रहा है, हम बात करके कॉल करते हैं आपको भैया। तो क्या सोना चांदी बेचते बेचते जो है बेटा फ्री हो गया। देखिए निशिकांत जी वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना। देखिए निशिकांत जी ने मेरे पास, मेरे हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, उन्होंने ये ऑडियो मुझे भेजा और सतर्क रहने की बात उन्होंने कही। उस ऑडियो को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि निशिकांत जी के मन में चुनाव जीतने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाने के लिए तैयार हैं। डर की राजनीति भागलपुर में पैदा करना चाहते हैं, जो कभी भागलपुर में नहीं हुई थी, वैसी गंदी राजनीति करने पर वो दारू हो गए। और मुझे इस बात का रत्ती भर भी भय नहीं है कि हमारे साथ कल क्या होगा, क्योंकि मैंने शहर के लोगों के लिए काम किया है, अपने लिए काम नहीं किया है। जो अपने लिए काम करते हैं उनको इस बात का भय होता है कि हमारा क्या होगा। निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि वो मुझे, मेरे परिवार को, सभी लोगों को जेल में डलवा देंगे और अंदर करवा देंगे, तो जितनी ताकत वो लगा सकते हैं, एसपी डीएम और कहा उन्होंने कही है कि हम बात करें, आपके पास जितनी ताकत है आप लगा लीजिए। यदि आपका ऑडियो फेक है, इसको आप प्रमाणित कर दीजिए, तब हम माने कि आप जो बोल रहे हैं उस बात में दम। आप जबरदस्ती इस चीज को, अभी ये बात कहना कि कोई आपका फेक ऑडियो बनाकर डाल दिया और चीजें, इसका इसकी जांच आप क्यों नहीं करवा लेते? आप करवा लीजिए जांच, आपके तो बड़े पूछ हैं, जांच करने से सब चीजें समझ में आ जाएगी कौन सच है कौन झूठ है। मैं तो सारी चीजें स्पष्ट है, लोगों के बीच में है, वो व्यक्तिगत है कि क्या है नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है, इसमें कुछ बोलने की अब जरूरत ही नहीं। ये लोग जान गए हैं कि उनकी, उनके अंदर में क्या है और उनके सामने में क्या है। वो कह रहे हैं कानून की शरण में वो गए, बाकी आप क्या करेंगे आगे? आप क्या कह रहे हैं कानून, कानून की शरण में खाली उनको जाने का अधिकार नहीं है ना, कानून की शरण में हर व्यक्ति जा सकता है। आप बिल्कुल कानून के शरण में जाइए, जो यदि मैं गलत रहूंगा तो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, यदि आप गलत रहेंगे तो आप सजा भुगतेंगे ना। आपकी आगे की रणनीति क्या है, क्या आप मदद लेंगे? मैं आगे की रणनीति में, मैं अपने लोगों के बीच में कल भी था, आज भी, कल भी रहूंगा, मैं जनसंपर्क में हूँ, मैं लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ और मैं लोगों से मुलाकात करता रहूँ। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उनको बर्बाद करने की बात करते हैं, कौन उनको धमकाने की बात करते हैं। जिसके साथ शहर के लोग हैं उनका, उनको इस बात के ना कोई भय है और ना मुझे इस बात की चिंता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि निशिकांत जी आपको कोई भी हमसे तकलीफ है तो हम पर बोलिए, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, मेरे घर के लोगों के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैंने कभी, गोड्डा सांसद का दो चेहरा है, एक चेहरा जो जनता के सामने दिखा रहे हैं और एक चेहरा वो जो ऑडियो में दिख रहा है, और वही वास्तविक उनका चेहरा है। क्यों उनको आज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्यों उन लोगों को, व्यापारियों को अलग अलग जगहों पर जाकर, जो व्यापारी समाज के लोग, बंधु लोग जो हमारे साथ कल तक कैंपेन कर रहे थे, उनको उन्होंने फोन करके, उनसे बात करके, उनके पास जाकर वो कह रहे हैं कि ईडी और आईटी का रेड हो जाएगा और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा, आप लोग भाजपा के विरोध में करेंगे चुनाव प्रचार, तो आखिर आप डर की राजनीति पैदा करना चाहते हैं? आप एक तरफ यहाँ आके बोलते हैं कि जो है भागलपुर किशनगंज हो जाएगा अगर भाजपा का विधायक नहीं बनेगा, मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो लोग पूरी तरीके से दिनों दिन जो है भागलपुर में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए विधायक जी चाहिए। एक तरफ आप भागलपुर के जो है व्यापारियों को धमकी देने का काम कर रहे हैं, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि सुनार जाति से आ गया, सोना चांदी बेचता है तो क्या नेतागिरी कर लेगा? मतलब इस तरह की बात आप सभी समाज के लोगों को, आपकी राजनीति किस तरह स्तर की हो गई है वो पता चलता है। ऐसी ही खबरों के लिए करे C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप प्रस्तुत करता है पनोरमा स्टार प्रतियोगिता।
सीजन 3 टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट 2020। आपके अंदर है यदि हुनर डांस संगीत और चित्रकला की तो बनाइए अपने मोबाइल से वीडियो और भेजिए पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 में और पाइए शानदार उपहार। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपए, साथ ही अन्य कई गिफ्ट। सेकंड प्राइज 25,000 रुपए, साथ में अन्य कई गिफ्ट। थर्ड प्राइज 11,000 रुपए, साथ में अन्य कई गिफ्ट। पनोरमा स्टार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। ऑडिशन के लिए वीडियो भेजने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2020। वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549000057।